निकाला जाएगा, राम निकाला जाएगा, भाई निकाला जाएगा, राफेल बम लिखा जाएगा, जय श्री राम भी लिखा जाएगा। समय आ रहा है, ये दुश्मनों को कुचला जाएगा, दुश्मनों का फन कुचला जाएगा। अनन्या, अनन्या जी, इस मामले को क्या सोचते हैं? कहा जा रहा है एक तरीके की नौटंकी करी गई। बिल्कुल नौटंकी करी गई है, बिल्कुल ही बिल्कुल नौटंकी करी गई। अगर आप उन लोगों से पूछे जो एक्चुअली में एयरफोर्स में है, तो वो आपको ये बताएंगे कि ये जेट्स इतने सोफिस्टिकेटेड है कि ह्यूमन टच से दूर रखा जाए जितना उतना बेहतर। पर उन्होंने किया क्या, नींबू निचोड़ा उसके नीचे, उसके ऊपर ओम लिखा गया है ना, तो ह्यूमन टच का तो आ गया ना उसमें। तो कुछ भी ना लिखे ना, तो कुछ भी ना लिखे ना, आप गलत बोल रहे। ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं कि एक सेकंड रुक जाइए आप। मैंने इतना अच्छा जी, बोलिए आप बोलिए। सवाल उठाया कांग्रेस ने, मैं रुके अरे एक मिनट मुझे भी बोलने दीजिए। ये सवाल उठाने वाली कांग्रेस है, कांग्रेस ने कहा ये नौटंकी की गई है, ये जो जिस धर्म जैसे पूजा किया गया एक नौटंकी है, ठीक है। 1980 में एक एयरक्राफ्ट आता है कांग्रेस के काल में, ठीक है, उस समय भी इसी हिसाब से शस्त्र पूजन होता है सारे हिंदू रीति रिवाज से, उस समय नौटंकी क्यों नहीं हुई? नौटंकी आज क्यों? एक सेकंड आज दिख रही है नौटंकी इसीलिए क्योंकि 2014 से नौटंकी ही किया जा रहा है सर, सेक्युलरिज्म के नाम पे। वैसे भी इंडिया कभी सेक्युलर थी नहीं, लेकिन आज अगर हिंदुत्व के नाम पे किसी लोगों को मारा जा रहा है, किसको? मुसलमान को। सर नजीब कहाँ गए? नजीब कहाँ गए? आज तक उनको ढूंढा नहीं गया है। और एबीवीपी वालों ये भी धमकी दे रहे हैं कि अगर जो लोग उनके उनके बातों पर ध्यान ना दे तो उनके साथ नजीब जैसी हाल होगी। सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है मॉब लिंचिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के साथ हो रही है। एक बात बोलिए, 60 केसेस हुए हैं आज तक, 60 केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग। एक सेकंड दिखा सकते हैं? हाँ जी, एक सेकंड ये लीजिए। हिंदुओं के साथ नहीं हुआ सर, सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग का शिकार हिंदू हुआ है, ना कि मुस्लिम। क्या बात है, तो फिर आप कोई रिपोर्ट दिखा दीजिए प्लीज मुझे, मैं आपको दिखा सकती हूँ। टप्पल में ट्विंकल करना, हाँ अलीगढ़ में, हाँ हिंदू थी वो, 2.5 साल की बच्ची, हाँ पता है ना उसका रेप कैसे हुआ? उसका रेप करके ना उसके ऐसे पैर कैसे फाड़ दिया उसको, और दो तीन दिन तक ना, हाँ हम गए थे मैम, हम वहाँ पे गए थे। हिंदुओं कैसे बसे चला दी, बता आपको कौन कौन देखने गया था? मोदी जी देखने गए थे वहाँ पे, मोदी जी कहाँ पे क्लीन चिट किसके मामले में? बिल्कुल क्लीन चिट मिला हुआ है। अरे सर, अगर आप और अगर ममता, अगर आप ये मानते हैं कि कोई भी स्टेट अपैरेटस अगर हम गवर्नमेंट के नीचे ना है, तो आप ये गलत मानते हैं। क्योंकि अगर सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, आज अगर कश्मीर के मामले में बात किया जाए, इतने सारे पेटिशंस दिए हुए हैं, लेकिन उनको पहले सुनना है राम मंदिर के बारे में। उन्होंने कश्मीर के, क्योंकि 60 दिन कैसे बात कर रहे हो आप? 90 में कश्मीर पंडित, 10 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया गया, और तब नहीं बोले आप? राम, एक मिनट सर, एक मिनट, शांत। 20 साल से, एक मिनट, मैं भी नहीं, राम मंदिर का मुद्दा इस देश में 20 सालों से चल रहा है गुरु जी। एक मिनट, अरे मुझे तो बोलने दो, चुप हो जाइए, एक बार मुझे बोलने दीजिए, एक मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलूँ, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ मैडम को बोलने दीजिए। मैम आप सिर्फ आप आशीर्वाद आप, मैं जो पूछ रहा हूँ मैं भी बोल सकता हूँ मैम, मेरा भी अधिकार है मैम। 20 साल मैंने जो पूछा उसका आंसर आपने दिया नहीं, नहीं दिया आपने, नहीं नौटंकी, आप सिर्फ बोलिए मुस्लिम। मैंने 60 केसेस 2004 2014 से 60 केसेस, और ये रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्ड में है कि मुस्लिमों के साथ पहलू खान के साथ क्या हुआ है आपको पता नहीं है क्या? पहलू खान, हेलो मैम, एक्सक्यूज मी, जो अभी मोदी जी ने अभी एक जो स्कीम
रिपोर्ट निकाली थी जिसमें ये जो मुस्लिम्स का ट्रिपल तलाक का वो फंडा क्लोज किया था। एक मिनट मुझे जितना पता मैं उतना बताऊंगा। किसके हित में है? हिंदुओं के हित में है क्या? मुस्लिम्स के बारे में भी बराबर सोच रहा ना बंदा? ठीक से जवाब दे। वो सोच रहा ना बंदा, तब तो किया उसने। तीन तलाक पे एग्री है मैम। बस मुझे जी तीन तलाक हटाएगा। सही है, तलाक सही है मैम। अरे ये पहले एक 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 बात करके बोलिए ना। एक बंदे को करने दो, हर कोई यहाँ पे। तीन तलाक हटाने के बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके डिवोर्स के कोई केसेस और किस तरीके के केसेस रजिस्टर करेंगे सर? हाँ स्टडी किया आए है, तभी तो कह रहे हैं कि तीन तलाक जब उसको बोला गया है, पहली बात तो वो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं। दोनों चीज में डिफरेंस है। किसने किसने? हाँ हाँ लॉ सरकार राज्यसभा। लॉ कौन बनाता है? गवर्नमेंट बना रही। हाँ गवर्नमेंट में कितने वो है सभास? कितने कितने है? लोकसभा राज्यसभा। अरे ये रहे राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, किस लेवल पे आती है सुप्रीम कोर्ट? ये बेसिक अगर हमारे पास एजुकेशन ना है ना, तो हम यही करेंगे कि गवर्नमेंट मोदी एक, सुप्रीम कोर्ट मोदी एक। सर जी लोकसभा राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कानून बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था? आदेश पहले भी दिया गया था, ये पहली बार नहीं दिया गया था, पहले भी दिया गया था। आपने ला के आपको पता है आदेश क्या दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में? आपको पता है? आप बताइए। तलाक पे बिल बनाने के लिए कहा सर? ट्रिपल तलाक में बिल बनाने को नहीं, डिक्रिमिनलाइज करने को बोला था। बिल बनाना जिसका जिसका मतलब ये है कि कोई अगर ट्रिपल तलाक दे तो उसको इमीडिएटली क्रिमिनलाइज कराना और डिक्रिमिनलाइज कराना, दोनों में डिफरेंस है कि ट्रिपल तलाक नहीं होगा। ट्रिपल तलाक कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। एक सेकंड, ट्रिपल तलाक इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ वैलिड फॉर्म ऑफ डिवोर्स। दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है क्रिमिनलाइज कराने का जो मुद्दा है। सजा नहीं देंगे तो रुकेगा कैसे? अरे सर अगर आप दूध पिलाएंगे तो साफ साफ काटेगा ना। अरे पहली बात तो अगर जूलॉजी की बात करें तो शादी करो फिर उसका बच्चे करो, तीन तलाक दे दो, जाओ अपने अपने घर। तो अगर यही सब कुछ सही था तो जब साहबानो केस में 1985 में शायद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनलीगल करा दिया था, तो राजीव गांधी जी से सरकार ने इसको क्यों बदला था संसद में कानून ला के? यही ना कानून जब सुप्रीम कोर्ट पहले जानिए साहबानो प्रकरण है क्या, साहबानो प्रकरण है क्या जानिए। एक महिला जो है तलाकशुदा महिला जो है मुआवजा भत्ते के लिए दावेदारी करती। हाँ पहले पूरी बात सुनिए तो फिर बताइए ना आपने, बताइए आप। हाँ क्या बताइए, बताइए बताइए बताइए। सब लोग सुने। हाँ क्या बताओ महिला है? अरे उन्हें बोलने तो दो। राजीव गांधी वोट बैंक की राजनीति के लिए मुआवजा भत्ते का ऐलान किया था, उसके लिए ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसका विरोध किया, उसके बाद पर्सनल मुआवजा भत्ता बंद हुआ। उसके बाद ये मोदी सरकार बिल लाई, अध्यादेश लाई, ट्रिपल तलाक से देश को मुक्त किया। ये देश ट्रिपल तलाक से देश को मुक्त होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। हमारे जो बुरके में रहने वाली महिलाएं कितनी आजादी से जी रही है वो उसकी खुशी वही जानती है। महिलाओं के साथ इतना जो प्रेम है आपको, महिलाओं के साथ इतना प्रेम है तो महिलाओं के लिए आरक्षण दे दीजिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। अगर अरे आप तो बताइए सिर्फ महिलाओं को क्यों, सिर्फ महिलाओं को क्यों, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। जब डिबेट करने के हालत में हो गए, जब असली जर्नलिस्टिक क्वेश्चन आप पूछने के लिए तैयार होंगे तब आके आप पूछना है ना। हमेशा आके एक मुद्दे को ये सुन पा रहा है ना। जनाब एक और यहाँ पे शुभ नाम, मेरा नाम कार्तिकेय है। और जनाब जब एक और रिपब्लिक टीवी तैयार करने के में मूड में नहीं होंगे आप तब आइएगा, क्योंकि हर मुद्दे को आगे ये मत बोला कीजिए आप ये मत बोला। सवाल जी मैंने बोला है और मुझे ज्यादा टाइम आपके दिया है माइक, ये कैसे आपत्ति जता रहे हैं आप? नौटंकी नहीं शब्द तो इस्तेमाल ही नहीं किया मैंने, नौटंकी शब्द तो आप कर रहे हो। ये मुझे एजेंडा मत पढ़ाओ, मुझे एजेंडा मत पढ़ाओ आप। जनाब एक बात बोले, ठीक है एक सेकंड उनकी बात फिर मैं बोलती हूँ। अगर आपके पास अगर कोई आपके पास सवाल ये था कि ओम सही था या नहीं था, आपका आप बताने वाले हो और मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि
अगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1947 में आपको एयरक्राफ्ट के बारे में करना चाहिए था, ये आप सवाल इस बात पे कर रहे हैं। आप सवाल मैं बोलना चाहूंगी, उन्होंने जो लेडीज आरक्षण के लिए बोला और ये रिपब्लिक नहीं तो क्या है। देखिए आपका सवाल कहाँ से शुरू हुआ था, आपका ओम बात ओम का सिंबल बनाना सही था या नहीं था इस बात से। हाँ सही भी था, जो भी है ना ठीक है। आपका सवाल जर्नलिज्म का जो अस्त है, जो आपका जो एसेंस है, आपका सवाल उस डील के बारे में होना चाहिए था, उन प्लेनों के किसने घुमा चाहिए था, ना लिंचिंग लाने वाली ये, ना कि उस सिंबल के बारे में कि सही या गलत नहीं। ये ना ये सर मैंने नहीं किया, ये न्यूज 18 के डिबेट में बैठ के मौलाना की खराब है। आप असली तंगी मौलाना, आप असली डिबेट करते मौलाना, आप क्यों उठा रहे भैया? ये बताइए राफेल का बुर्का पहना के लाया जाएगा क्या? राफेल का बुर्का पहना के लाया जाएगा? ये भारत देश के खतरनाक लगाया जाएगा राफेल की चुटी में। भैया हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम, और हिंदुस्तान की सभ्यता यही है, जो भी नया शस्त्र आता है तो हम ओम भी लिखेंगे, श्री राम भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम बाइक खरीदते हैं, छोटी साइकिल खरीदते हैं 1000-2000 की, हम इतना बड़ा दौड़ कर राफेल लेकर इसकी पूजा नहीं करेंगे क्या? हमारा इतना बड़ा सनातन धर्म है, शान की बात है, जवानों की शान की बात है, हिंदुस्तान की शान की बात है। राफेल नाम लिखा जाएगा, जय श्री राम भी लिखा जाएगा, समय आ रहा है, ये दुश्मनों को कुचला जाएगा, दुश्मनों का फन कुचला जाएगा, ओम भी लिखा जाएगा, मातरम मातरम मातरम। सही है पंडित जी, सही है ओम सही है। ओम एक शांति का प्रतीक है, ओम आज हमारे भारत में नहीं, ओम का आज शब्द पूरे विश्व में फैला हुआ है, ओम शब्द कोई गलत नहीं है। और ओम का मतलब अगर ये समझ जाए तो मोमडन में भी ओम है, ओम है मुस्लिम में भी है, हिंदू में भी है, क्रिश्चियन में भी है, ईसाई में, सब में ओम 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 सब में। ओम एक शांति का प्रतीक है। चलो एक मिनट, तुम्हारे बहस का मुद्दा क्या है कि उन्होंने ओम लिखा राजनाथ सिंह ने? अबे एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है, राजनाथ सिंह क्या है? एक हिंदू है, हिंदू है तो क्या करेगा? ओम ही लिखेगा, ओम लिखेगा, नमाज तो नहीं पढ़ेगा? नहीं बिल्कुल। भाई मान लो वो शाहबुद्दीन होता तो वो दुआ करके राफेल चलवाता, सही बात। अगर वो सिख होता तो सत श्री अकाल का नारा लगवाता है ना, तो इसमें क्या उसको कट्टर बोल दिया गया? उसको कट्टर क्यों बोला? किसको लग रही है यार? मैंने तुमको कांग्रेसियों के मिर्चे नहीं लगना चाहिए भाई। सुनो जब ये राफेल के नीचे नींबू नहीं था, कांग्रेसी और पाकिस्तानियों का आत्मा था जो कुचला जाएगा। अरे सुनो मिर्ची वर्ची कुछ नहीं लगी है, अगर मान लो सुनो एक मिनट चलो बोलो। देखो अगर तुम ये कह रहे हो भाई कांग्रेस वाले सवाल कर रहे हैं, क्या अब कांग्रेस वालों को कुछ काम वाम करने दोगे बोलने को? एक मिनट कांग्रेस की एक कहानी, कभी माँ बैठती है कभी बेटा बैठता है, कुर्सी एक ही है। 1980 में एयरक्राफ्ट आता है, कांग्रेस का राज होता है ठीक है, और हिंदू पूजन के तहत जैसे शस्त्र पूजन होता है उसमें भी किया जाता है, तो उस समय वो नौटंकी नहीं लगती, उस समय हिंदूवादी नहीं होती, आज वो हिंदूवादी हो गया, आज ये नौटंकी हो गया। अरे तब उनके पास करने के लिए काम था सबके पास, अभी कांग्रेस वालों के पास कुछ लोगों के पास कष्ट तोड़ेंगे, खाली बैठे थे तो कुछ करेंगे। बिल्कुल सही, एकदम सही सवाल है। 1983 में वायुसेना के वायुसेना अध्यक्ष की पत्नी ने पूजा किया था, नारियल फोड़ा था, क्या गलत किया था? हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, पूजा नहीं होगा तो क्या होगा भैया? मुर्गे का बाघ वाला देश नहीं है। कांग्रेस क्या चाहती है, विपक्षी क्या चाहती है कि खतना करा दो उसका? क्या चाहते सर बताइए? काम चाहिए, पैसा चाहिए। देखिए ये जो मुद्दा उछाला जा रहा है, ये सरकार को बदनाम करने के लिए आ रहा है। आज बात मावली सिंह की आती है, देखो बहुत देर से राजनाथ सिंह जी ने पूजा करी थी, ओम बनाया, कोई बात नहीं, क्षति राजपूत बनाया उन्होंने। अगर किसी का नाश होता है ना तो वैसी बुद्धि होती है। अब दिग्विजय ने बोल दिया कि भगवा रेपिस्ट हैं, बलात्कार करते हैं, पता नहीं उनकी नई बारी लुगाई को छेड़ दिया, जाने क्या कर दिया भगवा वालों ने, ठीक है। और उसके बाद में कांग्रेस का तो नाश होना है, तो तभी ये लोग आते हैं। अब राहुल जी कहां ब्याह है, शादी है घर में कांग्रेस की, कांग्रेस में चुनाव है, दो स्टेटों में शादी है कांग्रेस। लाला छोटे और दूल्हा भाग गया, सलमान खुर्शीदी का खुर्श
सलमान खुर्शीद का बयान था कि दूल्हा भाग गया। देश में नवरात्रि का पर्व है और राहुल गांधी जी कहाँ है। मैं बोलना चाहूंगा अभी ईद के मौके पे एमपी में बहुत बड़ा समारोह हुआ, कमलनाथ जी गए, बहुत सारे मंत्री मिश्र गए, वो गए उनसे गले मिले, मैंने जो विधायक जी बैठे हैं यही साहब यही बात रामनवमी पे दिवाली पे क्यों नहीं गए जो हिंदू विधायक थे उनके, ये तो ये तुष्टिकरण क्यों साहब। मगर सर सवाल ये उठता है, कृष्णन ने बोला है, स्वामी कृष्णन ने बोला कि सेकुलरिज्म वर्ड तो उठा के फेंक देना चाहिए जो ये रवैया है सरकार का। प्रमोद कृष्णन जिस ढोंगाचार्य का नाम ले रहे हैं आप, मैं उनका बिल दिखा दूंगा कितने तार पार्टी दिए हैं, 100 ग्राम अभी नहीं हिंदू में बंटवाए आज तक, 10 रुपए का अगरबत्ती नहीं दिखाए हैं, बस तार पार्टी क्योंकि कांग्रेस के एजेंट ढोंगाचार्य है इसलिए वो कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए आते कांग्रेस में ज्ञान देने उपदेश देने आते हैं। मगर नौटंकी तो करी है ना कांग्रेस के, बहुत बड़ा ड्रामा बात तमाशा इनका चालू रहेगा हार तक। सुनिए पूरी कहानी सुनिए, अभी बैंकांग गए आएंगे तो फिर कह रहे हाई ईवीएम, फिर क्या होगा कांग्रेस का, एक ही कुर्सी आप बेटा बैठेगा तो माँ बैठेगी। रफेल पर चोर तो कहते रहे, रफेल है पता नहीं कहाँ गायब है। हाँ अब गायब है, अब तो रफेल मुद्दा ही नहीं है, चोरी पकड़ी गई है 2019 में, चोरी पकड़ ली गई है, खुद ही चोर शोर मचा रहा था 2019 में जनता ने पकड़ लिया और 44 सीट देकर दाएं बाएं करके किनारे लगा दिया, 52 सीट मिला उनको, ये इनका हाथ।